हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सीटेट के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसी सीरीज में आज हम लोग अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने बाल विकास की जो स्टेजेस होती हैं, अवस्थाएं होती है, वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं दिखा है तो आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारा होगा बाल विकास के सिद्धांत। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में एक है जो सीटेट के लिए आते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन से उनसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। इनमें से क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं और कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहला होता है कि मैं डायरेक्ट सिद्धांत ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? तो ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कुछ भी एक पॉइंट दे दिया जाएगा, विकास ना रुकने वाली प्रक्रिया, ये किस सिद्धांत के, बाल विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आपको ये सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसलिए आपको जो सिद्धांत है इनको थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ना है। अब निरंतरता के सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं, ये क्या होता है। निरंतरता का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत विकास जो होता है कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, जो ये विकास गर्भ से लेकर और मृत्यु तक चलता रहता है। ये स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और मृत्यु, ये देखिए लिखा हुआ मैंने, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। एक बच्चा होता है छोटा सा नगण्य आकार का होता है जब वो माँ के गर्भ में होता है, उसके बाद वो अपना पूर्ण आकार ले लेता है और इसी प्रकार विकास है वो चलता रहता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अब उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वो है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं शरीर, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपने में अलग अलग डिफरेंसेस लेके पैदा हुआ होता है, ठीक है, उसी पे जो ये सिद्धांत कार्य करता है। बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैयक्तिक भिन्नता के अनुरूप होती है या वैयक्तिकता के अनुरूप होती है, इसी कारण उनमें पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती है। प्रत्येक बच्चा जो होता है वह एक दूसरे से अलग होता है। अब आपने देखा होगा कोई बच्चा बहुत मेधावी होता है तो साथ ही साथ एक दूसरा बच्चा होता है जो पिछड़ा होता है, मंद होता है, वो इसी वजह से, क्योंकि उनमें वैयक्तिक भिन्नता है, इसी वजह से जो बुद्धि में भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ शारीरिक विकास के अंतर्गत भी कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है, किसी की हाइट ज्यादा होती है। तो ये जो विकास का सिद्धांत है ये है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसी के अनुसार प्रत्येक जो बालक होता है वह एक दूसरे से अलग गुण लेके पैदा होता है। तीसरा होता है विकास क्रम की एकरूपता। अब यहाँ पे हमने बात करी भिन्नता की और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं एकरूपता, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रम की। जो क्रम चलेगा विकास का वो एक रूप प्रत्येक व्यक्ति में या प्रत्येक बालक में एक ही तरह का क्रम चलेगा। जब हम मानव की बात करते हैं या बालक की बात करते हैं तो जिसमें ये विकास का क्रम होता है वो हमेशा सिर से पैर के लिए होता है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पैर से सिर या सिर से पैर, किस तरीके का विकास का क्रम मानव शरीर में पाया जाता है। देखिए, हमने बहुत सारी भिन्नताएं देखने के बाद भी एक क्रम होता है जो प्रत्येक मनुष्य में आपको देखने को मिलेगा। पहले बच्चा छोटा ही होगा, उसी के बाद बड़ा होगा वो। कोई भी बालक सीधा बड़ा होकर छोटा नहीं हो सकता, ये क्रम एक निश्चित चलता रहेगा। उसके अलावा ये क्रम के उसमें हम ये लक्षण भी देख सकते हैं कि इसी कारण एक विशेष जो एक टाइप की जाति होती है उसमें पैदा होने वाले लोग होते हैं उनमें एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है इसी सिद्धांत के वजह से। अब चौथा है हमारा वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती है। लास्ट जो चैप्टर था उसमें भी मैंने ये बताया था कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है उसमें जो विकास की दर और वृद्धि की दर होती है वह तीव्रतम होती है, लेकिन उसके बाद यह गति मंद पड़ जाती है। बाल्यावस्था में ये थोड़ी स्लो होती है, उसके बाद किशोरावस्था में पुनः यह गति तीव्र होती है, और लेकिन ये गति ऐसे नहीं कि बढ़ती जाएगी, किशोर से फिर वृद्ध हो रहा और बढ़ती नहीं, किशोरावस्था में कुछ तीव्र होती है उसके बाद फिर यह रुक जाती है। तो इसी सिद्धांत पर यह है कि इसकी गति हमेशा एक सी नहीं होती है। अब पांचवा जो सिद्धांत है कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अब इस सिद्धांत की बात की जाए तो
कोई भी बच्चा होता है वो पहले सामान्य कार्य स्टार्ट करता है, छोटे छोटे कार्य स्टार्ट करना स्टार्ट करता है, उसके बाद उसमें विकास होता है, धीरे 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 वह बड़े कार्य को शुरू करने लगता है। जैसे कि कोई भी बच्चा होता है जब छोटा होता है तो पहले हाथ पैर मारना, फिर धीरे धीरे जो अपने आसपास की चीजें हैं उनको उठाना, कलेक्ट करना, और जो नवजात शिशु होता है वो रोना, रोने से स्टार्ट कार्य करता है जब उसको अपनी कोई बात बतानी होती है। उसके बाद जब धीरे धीरे उसमें विकास होता है तो वो बोलना स्टार्ट करता है, बोलने में भी पहले वो सामान्य शब्द बोलेगा। जब बच्चा पापा बोल रहा होता है तो वो सारे जो उसके आसपास होते हैं तो वो सबको पापा कहकर संबोधित करता है। फिर धीरे धीरे जब उसमें विकास होता है तब उसे पता चलता है कि कोई जो विशिष्ट व्यक्ति है उसी को मुझे पापा कहना है, जो उसके एक्चुअल में फादर है। अब उसके बाद छठवां है परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास का परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगर हम बात करें परस्पर संबंध, तो विकास के जो सभी आयाम होते हैं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर किसी एक में भी वृद्धि होगी तो बच्चा सारे क्षेत्रों में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ अगर किसी भी एक क्षेत्र में कमी होगी तो उसके सारे क्षेत्रों में कमी होने लगती है। देखिए यहाँ पे बात की गई है किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है, और वहीं दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। कोई बच्चा शारीरिक रूप से अगर कमजोर होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मानसिक या बौद्धिक रूप से भी कमजोर होने लगता है। अगर उसमें शारीरिक कोई मंदता पाई जाती है तो उसके मानसिक पे भी, मानसिक क्षेत्र में भी मंदता पाए जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का जो सिद्धांत है इसके अनुसार जो बालक होता है वो सबसे पहले एक संपूर्ण अंग को, उसके बाद उसके भागों को चलना सीखता है। जो एकीकरण का सिद्धांत है वो जो कार्य करता है वो सामान्य से विशेष की ओर, जो ये सिद्धांत है इस पे बेस्ड है। इसमें बच्चा क्या करता है, पहले अपने, अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है जब छोटा बालक है तो सबसे पहले अपने हाथों को, उसके बाद अपनी उंगलियों को चलाना सीखता है, और उसके बाद अपने हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ कार्य करना, कैसे कार्य करना वो सब सीखता है। तो एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि बालक जो होगा वो सबसे पहले अपने अंग को, जो मेन संपूर्ण अंग को, और उसके बाद उसके भागों को चलाना सीखेगा। उसके बाद ये है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बस हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि एक एक्सरे को देखकर उसकी हड्डियों के बारे में बात की जा सकती है, वैसे ही बच्चे का जो बच्चा जब शुरू में जो कार्य कर रहा होता है, जब अपनी छोटी अवस्था में होता है, उसको देखकर उसके आगे की अवस्थाओं के बारे में भी बोला जा सकता है। अब उसके बाद है विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी स्पेरिकल होता है, यानी विकास की जो दिशा होती है वो ऐसे ना होकर ऐसे होती है, बल्कि यानी कि विकास एक ही दिशा में आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि वो पहले बढ़ेगा, फिर अपने क्रम में नीचे को होगा, फिर आगे वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे को बढ़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स।